पराठा का रेसिपी। चलिए आप लोग को इंग्रेडिएंट सिखा देती हूँ। आलू, आटा, टमाटो, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन फिश, ऑनियन, ग्रीन चिली, गार्लिक और बटर। चलो पहले आलू को बॉईल कर लेते हैं कुकर में। सिंपल पानी से बॉईल करेंगे। आलू और ग्रीन पीस बॉयल हो गया है। अभी इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी आटा को गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए पहले थोड़ा ठंडा। और घी दे दे मोयम के लिए। अभी सिंपल पानी से गूंद लेंगे। पहले थोड़ा मोयम दे देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी देके भून लेंगे। नॉर्मल रोटी पराठा बनाने के टाइम जैसे भूनता है वैसे भून। अभी हो गया। अभी इसको डेस्क पे रखेंगे 10-15 मिनट। तब तक आलू का पूर बना लेंगे। अभी ऑयल दे रही हूँ। चॉप गार्लिक दे देंगे। चॉप टमाटर दे देंगे। नमक, हल्दी थोड़ा दे। और ये घर का बना हुआ मसाला। मिक्स कर लें।
नाश्ता है। मैं बॉईल किया आलू और ग्रीन पीस, इसमें दे देंगे। इसको धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा मैश करके मिक्स करना है। कटी हुए धने पत्ता अभी इसमें डाल दें, धनिया पत्ता। अभी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा आलू का पूर रेडी हो गया। अभी ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी इसको ऐसा कर लेंगे, इस टाइप का बाटी जैसा कर लेंगे, कटोरी जैसा। इसके अंदर पूर भर गए आलू का। इसको हाथ से ऐसे फ्लैट करेंगे। पैन गरम हो गया, अभी दे देंगे। घी से फ्राई करो, घी से फ्राई करो। ये देखिए हमारा आलू का पराठा का रेसिपी रेडी हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा आलू का पराठा का रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोग को हमारा रेसिपी।